नमस्कार, मैं काविश कक्कर आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है मेहनत का फल। एक सी चिड़िया, एक सा कौआ। एक दिन कौआ बोला, चिड़िया बहन चलो हम खेती करने चलते हैं। चिड़िया बोली, हाँ हाँ ठीक है, हम खेत जोताते हैं। कौआ बोला, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। चिड़िया अकेली ही खेत में जाकर हल बैठ जोत आई। अगले दिन चिड़िया बोली, चलो कौए भाई हम खेत में बीज बोए। कौए ने अपनी वही पानी बात दोहराई और चिड़िया अकेली ही जाकर खेत में बीज बो आई। कुछ दिनों के बाद खेत में पौधे उग गए थे और चिड़िया बोली, चलो कौए भाई हम खेत में निराई कराए। कौए ने अपनी वही पानी पुरानी बात दोहराई और बेचारी चिड़िया अकेली ही खेत में निराई कर आई। कुछ दिनों के बाद खेत में पौधे लहलाने लगे थे और फसल के दाने अच्छी तरह पक कर तैयार हो गए थे। चिड़िया बोली, चलो कौए भाई हम खेत में कटाई कर आए। चिड़िया कौए ने अपनी वही पानी बात दोहराई और सीधी साधी चिड़िया ने कटाई कर ली खेत में। चिड़िया बोली, कौए भाई अब तो चलो फसल तो बांट ले। कौआ सीधा सर उलटा कर चल दिया। चिड़िया और कौए ने अपने फसल के दाने आधे आधे बांट लिए थे। चिड़िया अपने हिस्से के दाने अपने घर ले गई। कौआ बोला, मैं अपने दाने कल ले जाऊंगा। उस रात बहुत बारिश हुई और कौए के हिस्से के सारे दाने पानी में बह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है तथा हमें अपने तथा